तो या गाइस हेलो, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी कि कवर अप करने वाले कुछ ऐसे गेमिंग लैपटॉप्स, कुछ ऐसी गेमिंग पीसीज और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स जो कि शायद मैंने भी कभी मतलब इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं किया है। और अगर इन केस आप लेने की सोच रहे हैं मतलब कोई भी एक RTX का कार्ड या फिर कोई i9 प्रोसेसर या फिर कोई लिक्विड कूलिंग, मतलब बहुत इनसेन जो टॉप लेवल की होती है ना वो, या फिर कोई टॉप एंड का गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग पीसी जो कि 1 लाख से अबव जाता है, तो आप सभी इन सब चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं। बजट की भी है और कुछ मतलब सही भी है, कुछ अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा कि मेरे को क्या क्या चीज़ें लगी हैं, क्या क्या सब कुछ है। मैंने वहाँ पर मतलब फुटेजेस लिए हैं, मैंने बाद में वॉइस ओवर किया क्योंकि गाइज वहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा शोर था, जिसकी वजह से मैं मतलब रियल टाइम में मतलब नहीं कर पाया फुटेज के साथ। तो इसलिए तो आप सभी आके देखना कि मैंने सभी कुछ जो मुझे वहाँ पे टॉप्स लगी वो की हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि उस इवेंट की हाइलाइट्स क्या थी, क्योंकि हाइलाइट्स ऐसी होते हैं ना कि वहाँ पर मेन चीज़ क्या थी, मैं उन सब चीज़ों को कवर अप करूँगा। और इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी चीज़ें कवर अप की हैं जो शायद मैंने तो अपनी लाइफ में अब तक रियलिटी में नहीं देखी थी और शायद आपने भी नहीं देखी होंगी। अगर आप परचेज करने की सोच रही हैं तो यार डेफिनेटली करना, और अगर आप सभी एक्सपीरियंस करने की सोच रहे हैं तो भाई तुम्हारे भाई ने कर लिया और आई एम अ गेमर, तो आपको पता चल गया होगा कि मैं किसी ऐसी वैसी चीज़ को जो है प्रमोट नहीं करता हूँ। मैं मतलब कि बिल्कुल एक पॉजिटिव रिव्यू मैंने आपके लिए बनाया, बहुत अच्छा है। तो यार चलिए शुरू करते हैं, आपको जो है सबसे पहले दिखा देता हूँ। भाई सबसे पहले AX8070 का मॉडल है, प्रोसेसर इसके अंदर i7 लगाया गया है, 9700K वाला प्रोसेसर है, बहुत सही है। और 512 GB SSD आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, 16 GB RAM DDR4 NVIDIA RTX 2070 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और ये रेड कलर का केस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी स्पेसिफिकेशन शुरुआत में भी आपने देखी होंगी, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत सही था इसके अंदर। NZXT का इसके अंदर आपको लिक्विड कूलर देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सही है। और ये केस दोस्तों, आई लव दैट केस, मुझे ऐसा केस चाहिए यार, इसको कहते हैं असली गेमिंग बीस्ट, देख रहे हो, असली गेमिंग पीस दोस्तों इसी को कहते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा ना तो यार आपने कुछ नहीं देखा, इतना सही पीसी यार ना, ये मेरा ड्रीम पीसी है यार, दिस इज़ माय ड्रीम पीसी, देख रहे हो कितना सही है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये पीसी आपको किस तरीके का जो है एक बार लगा है। गाइस अब हम आ जाते हैं रिपब्लिक ऑफ गेमर्स यानी कि ASUS के इस पीसी के बारे में। दोस्तों ये है एक गेमिंग मॉन्स्टर है, अगर आपने मतलब ऐसा कभी देखा है, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों आप इसके साइड से जो केस है इसको हटा भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, मतलब एक कवर टाइप की जो चीज़ें हैं रिपब्लिक ऑफ गेमर्स आपको सभी को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके जो स्पेसिफिकेशन है उसका मैं आपको स्क्रीनशॉट जो है दिखा दूंगा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। और गेमिंग करते हुए दोस्तों यह एक मॉन्स्टर है, इसके अंदर आपको i7 प्रोसेसर 8 जनरेशन देखने मिलेगा, ग्राफिक कार्ड आपको ये वाला देखने मिलेगा, मतलब बहुत सही है, कीबोर्ड आपको ये वाला यूज़ किया जा रहा है इसके साथ। और गेमिंग एक्सपीरियंस दोस्तों बेस्ट है, बेस्ट गेमिंग मॉन्स्टर कह सकते हैं हम इसको, बहुत खतरनाक है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। आप प्लीज़ एक बार कमेंट में मेरे को बताइएगा कि आपको ये पीसी किस तरीके से लगा है। और गेमिंग एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा है, अगर आप एक बार बैठ जाते हो ना, रियल गेमर बनने की फीलिंग है ना इसी के साथ आती है यार। दोस्तों मेरे को ये भी बहुत अच्छा लगा है, अगर आप इसको भी एक बार चेकआउट करना चाहते हैं तो आप इसको भी एक बार डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, अगर आप एक पीसी लेने की सोच रहे हैं तो, ठीक है, ओके। और इसकी जो स्पेक्स हैं वो मैंने सबसे लास्ट में जो है एक स्क्रीनशॉट के अंदर आपको जो है दिखा दिया, आप वहाँ पर रोक कर इसके सारी स्पेसिफिकेशन जो है एक बार रीड कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर इतना टाइम नहीं मिला मैं सिंगल मतलब पीसी की जो आपको स्पेसिफिकेशन बताऊं, बट मैंने इस तरीके से वो किया है और बहुत ही ज़्यादा बेस्ट दोस्तों मेरे को लगी ये रही इसकी स्पेसिफिकेशंस। तो यह आ जाता है एक 144 हर्ट्ज वाला मतलब गेमिंग लैपटॉप जो कि है ऑरस रॉग RTX, आपको इसके अंदर RTX देखने मिलेगा, इसके अंदर आपको i7 8 जनरेशन वाला प्रोसेसर देखने मिलेगा, बहुत सही है। इसकी कीबोर्ड की फिनिश बहुत अच्छी दी गई है और डिस्प्ले की क्वालिटी मेरे को बहुत अच्छी लगी है, आपको मतलब प्योर गेमिंग वाली फीलिंग जो है इसी के साथ आने वाली है, आपको GeForce RTX मीडिया की तरफ से इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छा है। नीचे की ओर आपको इस टाइप की लाइटनिंग देखने को मिलेगी, बहुत क्यूट लग रहा था लैपटॉप। और ये रही इसकी स्पेसिफिकेशंस, आप इसको जल्दी से रीड कर लीजिएगा। यह है रिपब्लिक ऑफ गेमर्स का Zephyrus, और भाई
अगर आपने ये लैपटॉप नहीं देखा ना, आपने कुछ नहीं देखा यार रिपब्लिक ऑफ गेमर्स। इसके अंदर भी आपको RTX देखने मिलेगा। ये सबसे ज़्यादा स्लिम लैपटॉप है, मतलब गेमिंग के मतलब प्रेडिएटर वगैरह ये सब आते हैं उनसे भैया लाख गुना आगे है ये, ठीक है, लाख गुना आगे है। और उसका जो टच पैड है ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और बहुत स्लिम है, बहुत ज़्यादा स्लिम है। आप देख पा रहे हो गोल्ड फिनिश के साथ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और इसके जो डिस्प्ले की क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर आपको जो नंबर पैड्स हैं आपको यहाँ पर जो टच के साथ आते हैं आपको कीबोर्ड की क्वालिटी इस टाइप की देखने को मिलेगी, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये। और स्पीकर्स आपको साइड में देखने को मिलेंगे। यार इतना स्लिम लैपटॉप ना मैंने आज तक अपनी लाइफ में देखा, और वो भी गेमिंग। यार ये अगर हमारे पास होना यार ज़िंदगी बदल सकती है दोस्तों, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, और यहाँ से आपको इसका टच पैड इस तरीके से देखने मिलेगा। यार ये चीज़ ना इंसेन लगी यार मेरे को, मैंने किसी भी लैपटॉप में आज तक नहीं देखी है। बहुत क्यूट है यार, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अल्ट्रा गेमिंग बीस्ट हम इसको कह सकते हैं, गेमिंग मॉन्स्टर इसको कह सकते हैं, इसको कुछ भी कह लो इसके लिए वही, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है यार दोस्तों इसको कहने के लिए। बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, सच में बहुत अच्छा है। अगर आप इसको भी एक बार चेकआउट करना चाहते हैं तो प्लीज़ यार डेफिनेटली इसको भी एक बार चेकआउट कीजिएगा। और बैक आपको इस टाइप की इसकी देखने मिल जाती है, बहुत अच्छा है। आप इसको VR से भी कर सकते हैं, ये रही इसकी स्पेसिफिकेशंस, तो इसको एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा है। भाई जब हम बात करते हैं एक अल्ट्रा गेमिंग मशीन की जो है, मतलब इसके अंदर भी आपको i9 प्रोसेसर देखने मिलेगा। प्रोसेसर बिल्कुल सेम है बट इसके अंदर जो कार्ड है RTX 2080 Ti और उसका देखने मिलेगा। यार दोस्तों यार मेरा मन ऐसा कर रहा था ना इसको अभी उठा के मतलब घर पे ले जाओ और जाके मतलब अभी GTA 5 इसके अंदर प्ले करना स्टार्ट करूँ, बहुत अच्छा लग रहा था। फुल ऑफ RGB था ये, और लिक्विड कूलर आपको NZXT का देखने मिलेगा। रैम्स आपको यार 16GB रैम है, और इसके स्पेसिफिकेशन में लास्ट में आपको दिखा दूंगा। लिक्विड कूलर यार बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, यार मैं बता नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं यार कुछ बोलने के लिए इन चीज़ों के लिए। अगर आप इसको भी एक बार चेकआउट करेंगे तो यार डेफिनेटली करना। ये अगर आप एक हार्ड कोर गेमर बनना चाहते हो तो यह चीज़ें आप सभी लोगों के लिए, ठीक है ना, आप सभी यार को बहुत अच्छी लगेंगी ये सब चीज़ें। नीचे फैंस की क्वालिटी देख रहे हो कितनी ज़्यादा अच्छी आ रही है, मेरे को बहुत अच्छी लगी यार दोस्तों ये क्वालिटी। और ये फुटेज जो मैंने लिए हैं दोस्तों सारी मैंने ही लिए हैं, और आपको ये RGB फिनिश के साथ यहाँ पर देखने मिलेगा। और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लास्ट में मैंने जो है फुटेज दिखा रखी है, आप वहाँ से जो है एक बार देख लेना कि क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। ये रही इसकी स्पेसिफिकेशंस, तो एक बार इसको फटाफट पढ़ लीजिए और आपको इस टाइप की देखने के लिए मिल जाएगी। मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला PC। और आपको दोस्तों यह जो कैबिनेट है, इस कैबिनेट ने तो मेरे को मतलब बिल्कुल ही उसमें डाल दिया था, मतलब साइड से अगर देखते हैं तो हाँ लाइट जल रही है, और मतलब सामने से अगर देखोगे ना आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। मतलब अब ट्रांसपेरेंट इसको कह सकते हैं या फिर कुछ भी नहीं कह सकते, देख लो यार अंदर का कुछ भी नहीं दिखता है, फ्रंट से कुछ भी नहीं दिखता है, देख रहे हो कितना ज़्यादा सही है यार ये। मुझे सच में एक बार मैंने जब इसको शुरुआत में देखा ना मैंने कहा यार क्या चीज़ है। और कीबोर्ड से आपको HyperX के देखने मिल जाएंगे, भाई गेमिंग कर रहा है, और साइड में इस टाइप का लुक है, आपको देख रहे हो क्या सही इनसेन लुक आ रहा है, देख रहे हो फ्रंट से बिल्कुल भी अंदर का कुछ भी नहीं नज़र आता है, कुछ भी नहीं नज़र आता है। हाँ एक बंदा कहता है हाँ भाई साइड से कुछ दिख रहा है बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर भी आपको GeForce RTX का कार्ड देखने के लिए मिल जाएगा, i7 प्रोसेसर है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। और देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है यार ये। और इंटेल का लिक्विड कूलर भाई देखने में मिल जाएगा, HyperX की रैम इसके अंदर लगी हुई है, मदरबोर्ड जो है मतलब ASUS का रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, और RTX का कार्ड, और SSD आपको देखने मिल जाएगी इसके अंदर। तो दोस्तों यार बहुत ही अल्ट्रा गेमिंग PC है ये, ठीक है, देख रहे हो अल्ट्रा गेमिंग PC की फीलिंग है ना इस टाइप की आती है। GeForce RTX, क्या बात है यार, क्या बात है। और केस की तो यार बात ही छोड़ दो दोस्तों, यह है HP का Omion, और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं मतलब आपको साइड में देखने मिल जाएगी। बैक का लुक आपको इस टाइप का देखने के लिए मिल जाता है, हाँ काफ़ी सही है, बहुत अच्छा है, बैक से भी दिखने में आपको मतलब बहुत अच्छी फिनिश के साथ आता है। और जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करने के साथ आपको इस टाइप की मतलब कीबोर्ड RGB देखने मिल जाएगी, i7 इसके अंदर आपको प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा। और Omion HP की जो है बहुत सही मतलब लैपटॉप्स जो है प्रोवाइड करती है, गेमिंग लैपटॉप है, जितनी मैं सब दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें सब गेमिंग ही है, कोई मतलब नॉर्मल नहीं है। और 16GB आपको इसके अंदर रैम देखने के लिए मिलेगी,
जो कि मोर देन इनफ है यार। तो कौन नहीं चाहता कि हम अपने लैपटॉप का जो है प्रोसेसर चेंज कर सके, और यह है Alienware का i9 9th जनरेशन का लैपटॉप। और दोस्तों यह एक पहला लैपटॉप है, वर्ल्ड का पहला लैपटॉप है जिसका आप प्रोसेसर निकाल कर चेंज कर सकते हैं अपने पीसी की तरह। तो यह है लैपटॉप दोस्तों, इनसेन चीज़ है, इनसेन चीज़, ठीक है। ये इसकी खासियत है कि आप इसका प्रोसेसर चेंज कर सकते हो, डेफिनेटली चेंज कर सकते हो यार। क्या लैपटॉप है यार, हर कोई चाहता है कि हम अपने लैपटॉप की जो प्रोसेसर वगैरह अपने पीसी की टाइप जो है चेंज कर सके, बट आप अब आप कर सकते हो इस लैपटॉप का। यार क्या बात है यार, वाइट लुकिंग के साथ इतना फिनिश लग रहा था ना, क्या बताऊँ यार मैं आपको, बहुत इनसेन लग रहा था ये। मेरा तो देखते ही दिल आ गया था, मैंने कहा यार इसको परचेज़ करना है, बट ये मेरी मतलब मेरे बजट से बहुत ज़्यादा आ गया यार ये Alienware का, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये रही इसकी स्पेसिफिकेशंस, आपको i9 देखने मिल जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है दोस्तों। आपको कैसा लगा आप एक बार कमेंट करके बताना, आपको इनके अंदर से सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी और आप इसका मतलब प्रोसेसर चेंज कर सकते हो। आई होप के गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, आई तो आप प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना और एक बार मेरे को कमेंट करके आप एक बार बता दीजिए कि आपको किस टाइप के लगे हैं सारे कॉम्पोनेंट्स, मतलब पीसीज मशीन्स, और आपका फेवरेट कौन सा रहा, आपको मतलब आप लेने की सोच रहे हैं, आप प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप मुझसे मेरी कोई ओपिनियन लेना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपके हर एक कमेंट का जो जवाब देने वाला हूँ। और इंटेल मतलब के जो प्रोसेसर्स हैं बहुत अच्छे बनाते है, तो यार डेफिनेटली मैं आज तक इंटेल ही यूज करता हुआ आया हूं, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पूरा एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था। मैंने एसुस के लैपटॉप्स ट्राई किए, डेल के ट्राई किए और एचपी के ट्राई किए, लिनोवो के भी थे और कुछ गेमिंग पीसीज, यार बहुत अच्छे लगे मेरे को, सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी। तो एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बताना, और इनके अंदर सारे गेम्स जो हैं बहुत मक्खन मलाई की तरह चलने वाले हैं। अगर कुछ भी मतलब प्लानिंग कर रहे हो तो एक बार कमेंट करके बताना, मेरे ओपिनियन लेना चाहते हो किसी भी मशीन के बारे में, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको डेफिनेटली बता पाऊँगा कि इस मशीन के अंदर क्या था, क्यों परचेज़ कर रही हो, अच्छी है या नहीं है, एक बार कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। आज की वीडियो किस तरीके भी लगी, वीडियो तो पसंद आई होगी, आए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना हमें दोस्तों के साथ। ओके तो मिलता हूँ आपसे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।